तो बच्चों खेलना आपके फिजिकल हेल्थ के लिए, पढ़ना आपकी दिमागी विकास के लिए। आपका दिमाग विकास होता ही नहीं होता। सपोज करो आपने कोई लैंग्वेज सीखी, हिंदी इंग्लिश जो भी आप भाषा सीख रहे हो, आपने कोई सही साइन बोर्ड पढ़ा, जैसे आपने इसको देख के बताया कौन है होंडा स्टेंटन गांधी, आप दैट मीन्स आपने चीजों को लर्न करना सीख लिया। पढ़ के हम क्या सीखते हैं, हमारी मेंटल कैपेसिटी बढ़ाते हैं, बौद्धिक कैपेसिटी आगे आगे बढ़ाते हैं। तो आपने फिजिकल हेल्थ में ध्यान दिया, खेल के आपने बौद्धिक शक्ति को बढ़ाया, कैसे पढ़ाई लिखाई करके, इन सभी में आपका जो लर्निंग ग्राफ होता है ना वो एक्सपोनेंशियल है। जो पहले का बच्चा है उसको कितना आता है, बहुत कम, धीरे धीरे बढ़ता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ, समझते हो। ब्लैक स्टेज ऐसी आती है आप तुरंत ही हाई उस पर पहुंच जाते हो। तो जो जो कमजोर बच्चे हैं, जो जिसका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, उनके लिए मेरी खाली एक्सपोनेंशियल ग्राफ समझा के ये समझाना था कि आप घबराए ना, शुरू शुरू में बहुत कम समझ में आता है, धीरे धीरे आपकी समझने की लर्निंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ऐसे ही फिजिकली एक दिन में कोई सचिन तेंदुलकर बन सकता है, मैं आपको बैठ दूं और आप कहोगे कि मैं खेल के चौके छक्के लगा दूंगा, लगा देगा नहीं। उसके लिए भी क्या चाहिए, उसको परसिस्टेंट एफर्ट, लगातार खेलना सीखना, अपने कमियां निकालना। तो यही मेरे से आपसे वो है कि आप अपने अपने पढ़ाई में भी ऐसे ही धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करो, जो चीज़ कमजोर है उसको आगे बढ़ाना, और ऐसे ही अपने हेल्थ में फिजिकल उसमें जो जो चीज़ें कमजोर हो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करना। और बस दैट्स इट। और मैं आपके लिए इसके लिए बधाई देता हूँ, इसके BSES को सक्सेसफुल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए, और सोहेल भाई का स्पेशल धन्यवाद, इन्होंने मुझे इन्वाइट किया आप लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए।